सबसे पहले सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं खुशता सिद्दीकी यूपी के एक छोटे से शहर सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं यहाँ शिवाज दादू जी के यहाँ पे आया हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ मॉडल एंड एक्टर। अगर जर्नी की बात करें तो मैं इस फील्ड में कैसे और किस तरह से आया, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने बहुत कुछ फेस किया है। पढ़ाई में हमेशा से बहुत होशियार था, साथ ही साथ मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। बहुत से इंटर स्कूल चैंपियनशिप्स, नेशनल चैंपियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। कन्याकुमारी तक मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया, लेकिन एक छोटे से शहर में अपॉर्चुनिटीज की कमी होने के कारण टैलेंट की कदर नहीं होती। इसलिए मेरा सपना अधूरा रह गया, मुझे ये स्पोर्ट्स लाइन क्विट करनी पड़ी। स्पोर्ट्स करियर क्विट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक सीए बनूंगा। बहुत अच्छे अंक से मैंने इंटरमीडिएट पास की। मेरा फ्रेंड सर्कल हमेशा मुझे ये बोलता था कि तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, क्यों नहीं मॉडलिंग और एक्टिंग में ट्राई करता। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मॉडल बनना है। जब मैं कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तो मेरी एक दोस्त अनम मुझसे बोलती है कि तू थिएटर क्यों नहीं करता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी उससे। और एक थिएटर गुरु है जावेद सर, उनसे क्यों नहीं मिलता, एक बार उनसे मिलो, सर बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे आइडियाज मिलेंगे, थिएटर ज्वाइन करो। तो मैंने उसकी बात मानी। मैं कुछ दिन बाद जावेद सर से मिलने के लिए गया। सर से मीटिंग मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली मीटिंग में सर ने मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें बोली जिससे मुझे एक प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे अंदर से वो बात आने लग गई कि हाँ, मैं एक एक्टर मॉडल बन सकता हूं। जावेद सर ने मुझे इतना बूस्ट कर दिया, अंदर से फीलिंग आने लगी कि हाँ, मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूं। लेकिन दूसरी ओर फैमिली का सपोर्ट ना होना लगता नहीं था कि मैं एक अच्छा एक्टर बन पाऊंगा बिना फैमिली के सपोर्ट के। फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी मॉडलिंग और एक्टिंग के। अचानक कुछ दिन बाद ही मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखा एक मॉडलिंग इवेंट का, जो कि हरिद्वार में होने वाला था। उसकी ऑर्गेनाइजर जानवी भारद्वाज, उनसे मेरी बात हुई। मैंने बोला मैडम मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं करते, पर्सनैलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्यों नहीं आप इसमें ट्राई करते। तो उस इवेंट के लिए मैं अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाकर, फैमिली से लड़कर उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और हुआ ये कि मैं उस इवेंट में काफी मॉडल्स को कंप्लीट कर चुका था। उस इवेंट के बाद मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। 2 महीने बाद सहारनपुर में स्टार फेस ऑफ सहारनपुर कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। उसमें मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उसमें हिस्सा लिया और हुआ ये कि मैं स्टार फेस ऑफ सहारनपुर उसमें बन गया। वहीं से एक पहचान बननी स्टार्ट हो गई। उसके 3 महीने बाद फिर से एक इवेंट हुआ, मिस्टर उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियनशिप, मैंने उसमें हिस्सा लिया। उसमें भी 100 से अधिक मॉडल्स को मैंने पछाड़ के मिस्टर उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया।
मिस्टर उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन बनने के बाद दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनने लगे। इस इवेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। उसके बाद मुझे फैशन वीक्स में, रनवेज में मौका मिलने लगा। काफी डिजाइनर्स के लिए मैंने, बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए वॉक की, बड़ी बड़ी ब्यूटी पेजेंट्स के लिए जज करने के ऑफर आने लग गए। काफी मॉडलिंग पेजेंट्स जज किए। मॉडलिंग की लाइन में आने के बाद एक्टिंग से भी ऑफर आने लगे, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। ऑडिशंस के लिए बुलाने लगे लोग। अब एक्टिंग नहीं की, एक्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, कुछ पता नहीं था। कुछ डायरेक्टर्स पैसों की डिमांड करने लगे कि पैसा दो, काम मिलेगा। लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं नहीं कर पाता था। मेरा एक स्कूल का मित्र नाजिश मुझे बहुत सपोर्ट करता था। कहीं भी ऑडिशन होता था, रात को, अगर रात को भी मैंने फोन कर दिया कि मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, तो तुरंत रात को मेरे साथ चल देता था। पैसे से मुझे सपोर्ट करता था। बस और ट्रेन में इतने धक्के खाए हम लोगों ने, बता नहीं सकता कितना हमने फेस किया है। लेकिन वो कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत रंग लाई और एक्टिंग में भी काम मिलने लगा। धीरे धीरे एल्बम्स के ऑफर आने लगे। 5 एल्बम्स मैं कर चुका हूं। मेन डायरेक्टर के तौर पे सभी को एल्बम पसंद आने लगे। मेरा पहला एल्बम 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया। दूसरा एल्बम 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। मॉडलिंग शोज में एज अ जज ऑफर्स आने लगे। बड़े पेजेंट्स में जज करने लगा, बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ पेजेंट्स जज करने लगा। उसके बाद मैंने सहारनपुर में एक अपना इवेंट कराया जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। फैशन आइकन ऑफ सहारनपुर के नाम से मैंने एक इवेंट कराया, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो वहां से, उस इवेंट की वजह से लोगों में खलबली मच गई। जितने इवेंट प्लानर्स थे उधर सब जलन रखने लगे। उस सक्सेसफुल इवेंट के बाद सहारनपुर के और ऑर्गेनाइजर्स में मेरे प्रति एक जलन की भावना उत्पन्न हो गई। मैंने वो इवेंट सहारनपुर के एक वेल नोन फैशन डिजाइनर नेहा गुप्ता, उनके साथ मिलकर किया था। एक लड़की का साथ होना वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। सहारनपुर के लोगों की एक छोटी सोच के कारण लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव करने लगे। उस सिचुएशन में मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया। बहुत लोगों ने समझाया, बहुत परेशान रहने लगा मैं उस टाइम। तभी मुझे रश्मि मैम ने बहुत बूस्टअप किया। मैम ने अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, बोला
क्या खुश सर, जब जब तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। मैम ने एक बात और बोली कि बेटा जो चलता है वो चलता है, जो रुकता है वो रुकता है, और जो दौड़ता है वो बहुत आगे जाता है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें दौड़ना है। सहारनपुर में एक अपना नाम बना चुके हो, अपनी पहचान बना चुके हो। इस नाम को बनाए रखना है, अपनी पहचान को बनाए रखना है। लोग कुछ भी बोले, कोई भी डिस्क्रिमिनेट करे, हार नहीं माननी है। आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। मैम ने मुझे बहुत बूस्ट अप किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ग्रो किया। मैंने तब से ठान लिया कि मॉडलिंग में ऊंचाइयों की हर सीढ़ी छूनी है। मेरी इस सफलता के पीछे रश्मि मैम, जावेद सर, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, सबका बहुत बड़ा हाथ है। आज जो मैं हूं, जो मेरी पहचान है, उन सबके पीछे इन सबका हाथ है। यूं सफलता की ओर जाते देख, इस तरह तरक्की करते हुए देख, कुछ दोस्तों में जलन की भावना होने लगी, जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। लोग बदनाम करने की साजिशें रचने लगे, लेकिन मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। कोई क्या बोल रहा है, बोलता रहे। मेरा उद्देश्य था कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हर वो ऊंचाइयां छूनी है जो मुझे मेरा रास्ता दिखाए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मैं अपनी पहचान इतने बना चुका था कि अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगी। बड़े बड़े ब्यूटी पेजेंट्स जज करने के ऑफर आने लगे। टीवी सीरियल भाभी जी घर पे हैं जैसे कलाकारों के साथ मैंने मॉडलिंग शोज जज किया। सारा खान, टीवी एक्ट्रेस सारा खान के साथ मैंने जज किया। एफआईआर की सीरियल एक्ट्रेस सपना सिकरवार के साथ मैं रिसेंटली भी एक पेजेंट जज किया। जस्सी गिल, नेहा कक्कड़ जैसे कलाकारों के साथ मैंने काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे कुछ अच्छे दोस्त और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स अंशु भास्कर जी, निधि बख्शी जी, प्रियंका, जोया, तमन्ना, रितिका एंड ऑल एंड माय नियर्स एंड डियर्स, काफी सारे हैं। सबके नाम लूंगा तो शायद बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा। सबने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत बूस्ट अप किया, तो सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मॉडलिंग के साथ साथ मुझे पढ़ने का भी शौक है। माय क्वालिफिकेशन, मैंने अभी रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के साथ साथ मैं एक अच्छा इंसान भी बनना चाहता हूं, और जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझसे छोटे या बड़े, बड़ों से मैं सीखना चाहता हूं और छोटों को मैं सिखाना चाहता हूं, सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। मेरी सफलता के पीछे मेरे छोटे भाई राहत और बड़े भाई सुहेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूं, आज मैं इस लाइन में हूं।
एज अ सक्सेसफुल मॉडल खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब बात करें एम की, मेरा एम क्या है लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता हूं। मेरी मंजिल बॉलीवुड है, बॉलीवुड तक जाना चाहता हूं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं। लोग मुझे जाने, लोग मुझे फॉलो करें, मेरे फैंस बने, मुझे फॉलो करें अच्छे से। ये मेरा मोटिव है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है। और आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी छोटी हो या बड़ी, कभी छोड़ो मत। इंसान छोटे से बड़ा होता है। दो लाइन बोलना चाहूंगा कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप में हौसला है कुछ कर दिखाने का, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप हौसला नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो हौसला करें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, उनको फॉलो करें, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने मेरी इस बायोग्राफी को देखा। प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री में मैंने काफी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। कुछ अच्छे और बड़े डायरेक्टर्स में एक नाम शिवाज दादू, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना, उनको मैंने फॉलो किया। अब से 2 साल पहले मैंने उनको फॉलो किया था, मिलने की बड़ी तमन्ना थी। कुछ दिन पहले एक इवेंट में अचानक शिवा सर से मुलाकात हो गई। डाउन टू अर्थ नेचर, विदाउट एटीट्यूड, अ पर्सन विद टैलेंट, जितनी तारीफ करो उतनी कम। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तमन्ना थी उनके साथ काम करने की, और आज वो तमन्ना भी पूरी हो गई। इस बायोग्राफी के माध्यम से मैं आज शिवाज दादू जी के सेट पे हूं। मुझे इस काबिल समझा, मौका दिया मुझे अपने साथ काम करने का। आगे भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे सर ने बात की, काफी प्रोजेक्ट्स की, अपने साथ एसोसिएट किया, काफी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, मेरे साथ करना चाहते हैं, मैं उनके साथ करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा, और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर ने मुझे मौका दिया।